नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिखा सरूप सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं, जहां पटना में स्कूलों के बंद होने पर डीएम का बयान सामने आया है। स्कूलों को बंद करने की तारीख खत्म हो रही है और जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से भी बातचीत की जा रही है, आज कल में स्कूलों को लेकर निर्णय हो जाएगा। हम लोग शिक्षा विभाग से वार्ता भी कर रहे हैं और उनको सूचना भी दे दी है कि आज जो है इस संदर्भ में निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि लास्ट जो नोटिफिकेशन है शिक्षा विभाग की तरफ से हो गया था और पुनः एक बार जो है हम शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य निदेशक लेवल पे, उनसे बात करके इस पर निर्णय लें। तो पटना से ये जानकारी आपके सामने, जहाँ स्कूलों के बंद होने पर डीएम का बयान सामने आया है। स्कूलों को बंद करने की तारीख खत्म हो रही है और डीएम जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बातचीत हो रही है। तो पटना से जानकारी, जहां स्कूलों के बंद होने पर डीएम का बयान सामने आया है। स्कूलों को बंद करने की तारीख खत्म हो रही है, डीएम की तरफ से तमाम जानकारी दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बातचीत की जा रही है इसको लेकर, और शिक्षा विभाग से भी बातचीत लगातार की जा रही है। तो डीएम की तरफ से तमाम जानकारी साझा की गई है। आज कल में स्कूलों को लेकर निर्णय हो जाएगा। तो स्कूलों के बंद होने पर डीएम का बयान सामने आया है। पटना से ये जानकारी आपके सामने, जहां स्कूलों को बंद करने की तारीख खत्म हो रही है, डीएम की तरफ से तमाम जानकारी साझा की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात हो रही है, शिक्षा विभाग से भी बातचीत की जा रही है और साथ ही आजकल में स्कूलों को लेकर निर्णय हो जाएगा, ये जानकारी भी डीएम की तरफ से साझा की गई है। तो पटना से ये पूरी जानकारी आपके सामने, जहां स्कूलों के बंद होने पर डीएम ने ये बयान दिया है, स्कूलों को बंद करने की तारीख खत्म हो रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जा रही है और शिक्षा विभाग से भी लगातार इसको लेकर बातचीत हो रही है। तो आज और कल में स्कूलों को लेकर निर्णय हो जाएगा, फैसला ले लिया जाएगा। डीएम की तरफ से तमाम बातों को साझा की गई है। स्कूलों के बंद होने को लेकर तारीख खत्म हो रही है, पटना से ये जानकारी, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बात हो रही है। इस मामले को लेकर लगातार डिस्कशन किया जा रहा है, शिक्षा विभाग से भी बातचीत की जा रही है और आज और कल में स्कूलों को लेकर फैसला लिया जाएगा। और स्कूल खोलने के मुद्दे पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है और क्या बयान है वो आप एक बार सुन लीजिए। शिक्षा विभाग सारे तथ्यों को देख रहा है और आपने देखा होगा कि सरकारी विद्यालय को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बंद किया गया है, तो जिलाधिकारी इन तमाम तथ्यों को देख रहे हैं। वैसी परिस्थिति होगी तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन उचित निर्णय लेगा। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए प्रीतम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए प्रीतम, स्कूलों के बंद होने पर डीएम ने बयान दिया है, स्कूलों को बंद करने की तारीख खत्म हो रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? स्कूलों को 15 जून तक स्कूल बंद था, 15 इसलिए चूंकि 15 शनिवार था, 16 तारीख रविवार और 17 तारीख यानी 17 जून बकरीद। अब 18 जून से इस क्या होगा ये सरकार को निर्णय करना है, शिक्षा विभाग को निर्णय करना है। देखना पड़ेगा कि एजुकेशन माफिया वो हावी होते हैं या मानवीय पहलू वो हावी होता है। दरअसल इस वक्त बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। बिहार के किसी भी हिस्से में जाइए, आरा से लेकर बांका तक जाइए और कटिहार से लेकर किशनगंज और कैमूर तक जाइए, इस वक्त बिहार में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको शिखा जी? प्रीतम
हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप कटिहार से लेकर किशनगंज तक जाइए, कैमूर तक जाइए, इस वक्त पूरा बिहार भीषण गर्मी के चपेट में है। कल तो ये सरकार को चाहिए कि अब जो समय से समय रहते अगले 2 से 4 घंटे में इस पर निर्णय ले ले कि वो क्या करना चाह रही है, क्योंकि कल से निजी स्कूल खुल जाएंगे और जो बच्चे जिन जो हाई फाई निजी स्कूल है जिनके बच्चे एसी बसों से जाते हैं आते हैं, जिनका एसी का कमरा है, उन्हें तो शायद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे मीडियम टाइप के सीबीएसई स्कूलों में पढ़ते हैं, आईसीएसई स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलें होने जा रही है, क्योंकि एजुकेशन माफिया के दबाव में स्कूल को खोल दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन माफिया के दबाव में, और जो स्टेशनरी वाले जो हैं लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी किताबें छपती हैं बिकती हैं, उनके दबाव में स्कूल को खोल दिया जाता है, शहर जाम हो जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है जब स्कूल छूटता है तो बच्चों को अपने घर तक पहुंचने के लिए, यानी जब स्कूल बंद होता है और स्कूल बंद होने से घर तक पहुँचने में उन्हें उन्हें 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है, बसें तपी रहती हैं, बसों के अंदर जो है 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास का तापमान का एहसास होता है, 52 डिग्री तापमान का एहसास होता है, और चूंकि निजी स्कूलों में 85% तक अटेंडेंस की अनिवार्यता होती है, लिहाजा अभिभावक के सामने भी एक चुनौती होती है वो बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है, जो जो मासूम है, जो कोमल है, जो उनको ज्यादा दिक्कत होती है, लिहाजा शिक्षा विभाग को चाहिए कि वो जल्द से जल्द निर्णय कर ले और बिना किसी दबाव में मानवीय पहलू को गौर करते हुए कम से कम बिहार में अभी 2 हफ्ते के स्कूल बंद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं स्कूल बंद किया गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अभी जो खबरें आ रही है कि लोगों की लू से मौत हो रही है, गर्मी से लोगों का जीना दुभर हो गया है, बिहार के कई हिस्सों में बिजली कट रही है, तो ये जरूरी हो गया, और सरकारी स्कूल वैसे ही भगवान के भरोसे है, भले सरकार 52,000 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग पे खर्च करे लेकिन स्कूलों में पंखे नहीं है, छत नहीं है, आरओ नहीं है, वाटर कूलर नहीं है, बच्चों को काफी नुकसान होता है, लिहाजा अब समय आ गया है कि चूंकि आज 17 जून है, कल से स्कूलों को खोला जाना है, जो निजी स्कूल है जो उन्होंने शेड्यूल तय किए हैं उसके मुताबिक 18 जून से लगभग 90% स्कूल खुल जाएंगे, तो लिहाजा ये आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा विभाग निर्णय ले। जो पटना के डीएम है उन्होंने भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, शायद उनके पास भी कोई ठोस जवाब था ही नहीं, मैंने उनसे पूछा कि स्कूलों को कब तक स्कूलों को कब खोलेंगे, क्या स्कूलों को आप बंद करने जा रहे हैं, तो पटना के डीएम शीर्षत कपिल ने कहा कि शिक्षा विभाग से बातचीत चल रही है, तो कब तक बात चल रही है कोई को बड़ा इशू नहीं है, शिक्षा विभाग एक सर्कुलर जारी कर देगा, एक आदेश जारी कर देगा कि स्कूलों को नहीं खोलना है तो स्कूल नहीं खोलेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा क्या शिक्षा माफिया के दबाव में, एजुकेशन माफिया के दबाव में स्कूलों को खोल दिया जाता है या फिर मानवीय पहलू पर भी गौर किया जाता है। जिस का अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से जिला पदाधिकारियों से भी बातचीत चल रही है, शिक्षा विभाग से भी बातचीत चल रही है, और ऐसे में आज और कल में स्कूलों को लेकर फैसला लिया जा सकता है, तो क्या संभावनाएं फैसला को लेकर जताई जा रही है प्रीतम, किस तरीके का फैसला लिया जा सकता है? अनुभव बताता है सिखा कि स्कूलों को बंद किया जाएगा, हमारा ये अनुभव बताता है कि जो भी तय शुदा तारीख होती है उससे 7-8 दिन जो है स्कूलों को आगे खोला जाता है, और चूंकि बिहार में इस बार बेतहाशा गर्मी पड़ी है, खासकर बिहार का जो दक्षिण इलाका है, बक्सर, आरा, सासाराम, नालंदा, गया, जमुई, औरंगाबाद, बांका, ये अब और भागलपुर, यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही है, लिहाजा इन जिलों में तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि सरकार एक अधिसूचना जारी कर दे कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों को जो नौनिहाल बच्चे हैं आप समझिए सिखा कि एक स्कूल की जो टाइमिंग की जो शुरुआत होती है वो सुबह 7 बजे होती है, यानी बच्चों को 5:30 बजे जगना होता है, वो बच्चा जो 5:30 बजे सुबह जगता है और उसको घर पहुंचते पहुंचते 2:30-3 बजे का वक्त लग जाता है, उसके ऊपर क्या गुजरेगी जब वो भूख से व्याकुल होगा, जब वो प्यास से व्याकुल होगा, और जो निजी स्कूल है 2-4 निजी स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बच्चों को भगवान भरोसे रखा जाता है, हमने देखा था पिछले महीने कुर्जी में एक स्कूल में बच्चे की किस तरीके से मौत हुई थी, उस सब लोगों ने देखा है, और सरकार का कोई जो निजी स्कूल है, जो बड़े स्कूल जो अपने आप को कहते हैं, उसमें कोई अधिकार नहीं होता है, वो साफ तौर से सरकार जो है वहां पे बेबस साबित होती है, भले सरकारी स्कूलों को मास्टरों को परेशान करे, सरकारी स्कूलों को मास्टरों को ड्यूटी में बुलाए, लेकिन निजी स्कूलों के मामले में सरकार के हाथ बन जाते हैं, लेकिन मानवीय पहलू है और ये जहां पे आवश्यक हो जाता है, और जहां तक हमारा अनुभव बताता है कि स्कूलों को कम से कम 10 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए अभी बंद किया जाएगा। जी सिखा अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
पटना से एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जहां नाव हादसे पर डीएम का बयान सामने आया है। बाढ़ इलाके में नाव हादसे पर डीएम ने बयान दिया है। चार लोग गंगा में लापता हो गए हैं, एक का शव बरामद हो गया है। ओवरलोडिंग को लेकर एमवीआई की जिम्मेदारी है और चार लोग गंगा में लापता हो गए हैं, एक का शव मिला है। कल जो घटना हुई थी बाढ़ में उमानाथ मंदिर के पास जो नाव दुर्घटना हुई और उसमें जो चार लोग जो है वो लापता हो गए उसमें से, आज सुबह जो है एक डेड बॉडी वहाँ से प्राप्त हुई है। तो नाव के मामले में जो ओवरलोडिंग कैपेसिटी है, एक बार फिर हम लोगों ने परिवहन विभाग के जो पदाधिकारी एमवीआई उनको डायरेक्शन दिए है। साथ ही में जो है आपदा विभाग के द्वारा जो है मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि किस तरीके से नाव का